गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी का अगर आप देखिएगा ना, तो वो खुद की जो जगह है उसके नीचे अंधेरा ही रहेगा और चारों तरफ रोशनी फैला के रखता है। सेम वही कंडीशन पप्पू यादव जी का। आज मैं ऐसी जगह पे हूँ ना जिनका नाम भी मसीहा कहे जाते हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी घटनाएं होती है वहाँ पे पहुँचते हैं और एट ए टाइम पहुँचते हैं और जा करके पीड़ित को मदद पहुँचाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उन भ्रष्टाचार को दिखाने का काम करते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ ना, उस शख्स का अगर नाम सुनेंगे ना तो आप कहेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं अभी मधेपुरा के खुर्दा में हूँ, और खुर्दा का नाम सुनकर के आपको समझ में आ गया होगा कि मधेपुरा का खुर्दा वही गांव है जिस गांव से एक नहीं दो दो सांसद है। और वर्तमान में अगर बात करें ना, तो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी का गांव है ये, और गांव की बदहाली को अगर आप देखेंगे तो देख करके आपको शर्म आ जाएगी। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर जो पप्पू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जो पप्पू यादव पूरे बिहार में घूम करके काम करते हैं, उसी पप्पू यादव का गाँव इतना ख़राब क्यों हो सकता है और यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब क्यों हो सकती है? आप देख सकते हैं बदहाली। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इधर से गुजर रहे थे ना, तो हमारे गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट गिर गया, और पता भी नहीं चला कि आखिर गिरा तो कहाँ गिरा। और पूरा बिहार में घूम घूम के काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, जहाँ बाढ़ आता है बाढ़ वाला में भरा। सुनिए ना चाची, इधर आइए ना, कहाँ भाग रहे हैं? कुट्टी काटिएगा, कहाँ भाग रहे हैं? तो ये जो बताइए कि जो पप्पू यादव भला करते हैं लोगों का, उनका गांव का रोड इतना खराब काहे है? उनका गांव का रोड इतना खराब काहे है? कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बनाते काहे रोड खराब है, काहे नहीं बना रहे हो? गरीब को तो ढेर पैसा देते हैं, सब जगह घूम घूम के पैसा देते हैं, लोग से मिलते हैं जो मर गया, जो कट गया, जहाँ बाढ़ आ गया, फिर अपना गांव काहे नहीं दिख रहा है उनको? तो हम अपने मन से ना बनते। बाकी आप देख सकते हैं कि हम जिस गांव में, खुर्दा गांव में, लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हैं, गांव की बदहाली को देख करके समझ में नहीं आ रहा क्या ये उसी पप्पू यादव का गांव है जिस गांव के पप्पू यादव देश के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के लोगों की सहायता करते नजर आते हैं। सारी दुनिया की समस्याएं उनको दिखती है, क्या उनको अपने गांव की समस्या नहीं दिखती है? क्या उनको अपने गांव के लोगों की जो जनजीवन है उनको सुदृढ़ करने का अधिकार नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो जिस पप्पू यादव के एक पुन से एसपी डीएसपी डीआईजी तक हिल जाता है, सत्ता में रहे लोग हिल जाते हैं, उन पप्पू यादव के एक फोन से क्या उनके गांव की बदहाली दूर नहीं होगी? आप देखिए, ये भी एक गड्ढा ही है, और ये तीनमुहानी दिख रहा है आपको, और ये गड्ढा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा गड्ढा है। अगर कोई स्पीड में अगर अपनी गाड़ी लेकर के आ जाए, इसको देखिए, और ये मुख्य मार्ग है उनके गांव में उनके आवास पे जाने के लिए। तो इतनी बड़ी बदहाली उनके गांव में है, पूरे देश को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे नेता है, लोगों के मसीहा है, लोगों के लिए सेवा का काम करते हैं, फिर आपके गाँव में इतनी समस्या क्यों है? आज तक तो इस रोड का वो नहीं हो पाया कुछ भी, लेकिन सीमांचल का इतना बड़ा नेता रहते हुए पप्पू यादव का इस रोड का कोई मतलब कायाकल्प नहीं हो पाया। मतलब पूरा दुनिया में भ्रष्टाचार उनको दिख रहा है, अपना गांव में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, अपना गांव में समस्या नहीं दिख रहा, अपना गांव का लोगों का जनजीवन नहीं दिख रहा है कि इतना समस्या क्यों है? दिखाई पड़ता तो आज इतना कष्ट में इस रोड का जितना भी वासी है इतना दिक्कत में रहता ही नहीं। मैं एक्यूरेट तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आज से कुछ दिन पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि मैं 9000 एकड़ का मालिक हूँ, और जो 9000 एकड़ का मालिक हो और जो पटना की सड़कों पे बाढ़ के समय में लोगों की मदद कर रहे थे, चूड़ा मुढ़ी दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे, उनके अपने लोग, उनके अपने गाँव के लोग सही से जिंदगी नहीं जी रही है, इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? सही बात है ना? सही। क्या समस्या आता है आप लोगों को गांव में? हम लोग के यहाँ तो बिजली का है ही, लेकिन पूरे मधुपुरा में एम्बुलेंस की सेवा दे रखी है, गांव का ऐसा हाल क्यों? इसका तो वही लोग बता सकते हैं, राजनीति में इसमें इतने पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये हम लोग का रोड 18 नंबर जो है, इससे बहुत आदमी का चलने फिरने में दिक्कत आती है, लेकिन ये बनना चाहिए। डबल रोड सुने हैं, पास है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। मतलब एक कहावत है, अंधेरे तले दिया, मतलब दिया को अगर आप देखिएगा ना, तो वो खुद की जो जगह है उसके नीचे अंधेरा ही रहेगा और चारों तरफ रोशनी फैला के रखता है। सेम वही कंडीशन पप्पू यादव जी का है, वो पूरे बिहार में रोशनी जगाने का काम कर रहे हैं, रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के न्याय के लिए काम कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वही पप्पू यादव, उन्हीं का अपना गाँव आज वीरान पड़ा हुआ है, अपने गाँव में ना तो सही तरह से व्यवस्था है लोगों के सुदृढ़ जीवन के लिए। सीमांचल और मिथिलांचल का दो इससे बड़ा नेता तो नहीं है। अच्छा,
तब पर भी जब 18 नंबर रोड नहीं बना तो इससे क्या नहीं बना। डीआईजी को फोन कर देते हैं जब मन होता है जहां मेट्रो। अब तो नेता ही सोचे बिना लेते आने वाला चुनाव में उन्हीं को वोट देना है। अब तो गांव का है तो वोट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, चाहे जैसे हम लोग की स्थिति में रखे वोट तो उसी को देंगे, लेकिन अब रोड का वो सोचे मतलब क्या। गार्जियन है तो गार्जियन रहेंगे, भल चाहे भूखे रखे नंगे रखे सब ठीक है। हाँ, ठीक तो गार्जियन को दिखना चाहिए ना, जब हमारे जो लोग हैं हमारे आंखों में पानी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करें। तो यदि हम सोचते हैं तो आज न कल वो भी सोचेंगे। चाची इसी गाँव से है आप, कौन सा गाँव है ये? बाकी हम खुर्दा गांव में हैं, खुर्दा के लोग हैं, बदहाली से परेशान हैं, लेकिन अगर बात करें तो पप्पू यादव एक अच्छे नेता है, एक मसीहा है जो देश में ही नहीं मतलब पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश के अंतर्गत लोगों की सेवा करते हैं। फिर पता नहीं उनके गांव की इतनी खराब स्थिति क्यों है, इतनी बदहाली क्यों है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव महोदय, अगर आप तक हमारी वीडियो पहुँच रही है तो कृपया करके अपने लोगों के लिए कुछ करें, अपने गाँव की ना कुछ सही लेकिन की बदहाली को दूर करें ताकि लोगों का जनजीवन सुदृढ़ हो सके।